संगमेश्वर में उत्तर के निकट एक प्राकृतिक पत्थर का नक्शा बन गया है जो कि सात नदियों का संगम है। ये वो जगह है जहां ऋषि विश्वामित्र ने तपस्या की थी। सिर कृष्णा के सूखे किनारे की तरफ दिख रहा है। जनजातीय क्षेत्र को जोड़ने वाली पहाड़ियों के माध्यम से सड़क बिछाने के दौरान सिर की तरह चट्टान पाया गया। इससे पहले मानव के सिर, आंख, नाक और मुंह जैसा रॉक कपिलेश्वरम के पास पाया गया था और एक और पत्थर नर्म के नजदीक तिरुमल कोंडा में पाया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति ने रॉक गठन का निर्माण किया है जिससे लोग मानवीय आकृतियों के आकार की प्रशंसा करते हैं।